फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कल शाम आयोजित होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक की गई है। ये रैली फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगी, जहां से भाजपा के टिकट पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस रैली के बाद दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। जहां एक तरफ रैली स्थल पर रूट प्लान तैयार किया जा रहा है, वहीं सेक्टर 12 में ही बनाए जा रहे हेलीपैड ग्राउंड का जायजा लिया जा रहा है, जहां भारी संख्या में आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस कर्मी अभी से ही तैनात कर दिए गए हैं और दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी कर दी गई हैं। डीएसपी हमेंद्र मीणा ने बताया कि हेलीपैड की सुरक्षा के लिए वह खास तौर पर तैनात रहेंगे और चारों तरफ सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं, क्योंकि यहां गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर के माध्यम से लैंड करेंगे और फिर बाय रोड रैली स्थल पर पहुंचेंगी। आपको पता ही है, कल हमारे जो माननीय यूएचएम है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका कल यहां पर एक दौरा है। उसको लेके जो पुलिस और प्रशासन दोनों अपने जोरों शोरों पर तैयारियां कर रहे हैं। सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सफिशेंट मात्रा में फोर्स डिप्लॉय की गई है, और जैसे हमारा जो कार्यक्रम है उस हिसाब से अलग अलग डीसीपी हैं, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं या एसपीएस रैंक के अधिकारी हैं, सबको अपने अपनी ड्यूटियाँ दी गई हैं और उनको सीपी साहब है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर रिहर्सल के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और सीपी साहब अभी पहुँचने वाले हैं, उसके बाद इसका रियल टाइम में रिहर्सल किया जाएगा और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया जाएगा। कोई भी खामी होगी तो उस हिसाब से उसमें सुधार करके सुधार किया जाएगा, जिससे कल के व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। जो अभी तक का जो अधिकार जो अभी ऑफिशियली जो प्रोग्राम है उसके आधार पर उनका जो आगमन है वो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर, के जो निजी हेलीकॉप्टर है उसके बाद उनके द्वारा आएंगे, उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम होगा वो अभी बाई रोड का है। लेकिन अभी हो सकता है बदलाव आ जाए, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मौसम और भी कोई व्यवस्था जी। ये तो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था तो पुलिस और प्रशासन का काम है। करेक्ट है, और हम अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी जो इंतजाम किए गए हैं किसी पर कोई चूक नहीं होती। यहाँ जो अभी मैं ये जो हेलीपैड की व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल जो रिसेप्शन लाइनअप में होंगे जो हमारे जो गृहमंत्री साहब हैं वो आएंगे, उनको जो यहाँ पर रिसीव करेंगे उन्हीं लोगों की यहाँ पर एंट्री है, बाकी लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कल शाम आयोजित होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक की गई है। भारी संख्या में आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मी अभी से ही तैनात कर दिए गए हैं और दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां पर खड़ी कर दी गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।